तो सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं श्वेत एंड आप सभी देख रहे हो इट मिश्रा यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम बात करेंगे यूट्यूब टेक एंड ट्रिक्स के नेक्स्ट पार्ट की। तो गाइस यूट्यूब चैनल का आप लोग CTR लेवल तो हाई रख ही पा रहे हो, अब हाई से लो में ला रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड हमारे आज फाइनली कम्प्लीट हो चुके हैं 300 सब्सक्राइबर्स, यानी कि 300 सब्सक्राइबर तो मेरे रात को ही कम्प्लीट हो गए थे एंड अभी रात 12 बजे के बाद में, इसलिए आज ही कम्प्लीट हुए हैं। तो गाइस इस टाइम में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आज फिर से हम बात करेंगे यूट्यूब के नहीं, सॉरी गाइस, आज हम लोग यूट्यूब के बात नहीं करने वाले, आज हम लोग बात करेंगे पेटीएम अकाउंट अनब्लॉक कैसे करना है। तो गाइस पेटीएम अकाउंट अनब्लॉकिंग का सिर्फ एक ही प्रोसेस है। आप सभी कहीं भी जाओगे पेटीएम वालों को जीमेल करोगे, अगर ऐप में आप रेज या रिक्वेस्ट में स्क्रीनशॉट फोटोज वगैरह सेंड करते हो, डॉक्यूमेंट सारे उन्हें प्रोवाइड करते हो, तब भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट गाइज अगर आप इन सब को छोड़ करके अलग ही एक मेथड मैं बताऊँगा उसे अप्लाई करते हो तो आपको 100% सक्सेसफुली आपका पेटीएम अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। गाइज आपको ट्विटर अकाउंट सबसे पहले बना लेना होगा एंड डिस्क्रिप्शन में आपको एक @PayTM केयर के साथ आपको टाइप क्या करना है, व्हाट यू ट्वीट लिख करके पूरा टाइप होगा डिस्क्रिप्शन में, तो इसे जाकर के आपको पेस्ट कर देना है ट्विटर में ट्वीट सेक्शन में और अपना पेटीएम अकाउंट ब्लॉकेड का एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। तो स्क्रीनशॉट ले करके इसे अटैच करके आपको भेज एक ट्वीट कर देना है, ठीक है। एंड उसका लिंक आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप मुझे भेज दीजिएगा जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करवा दूंगा। इस तरह हम गाइज आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट हो जाएंगे एंड पेटीएम को ये बात समझ में आ जाएगी कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, तब आपको डायरेक्टली मैसेज यानी DM करने के लिए बोलेगा। तो आपसे DM में वो बातचीत करेंगे, आपको बोलेंगे डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट कौन से देना है। तो गाइज आपको अपने कोई भी दो डॉक्यूमेंट, जैसे कि जिस अकाउंट में KYC हुई है, मान लीजिए आधार कार्ड से KYC हुई है, तो आधार कार्ड प्लस अगर आपके पास पैन कार्ड है जो कि पेटीएम अकाउंट से भले ही लिंकेड ना हो, लेकिन पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के साथ आपको सेल्फी एक ले लेनी होगी या फिर सामने वाले से फोटो खिंचवा लेनी है और वही फोटो आपको पेटीएम वालों को प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है भाई। सेकेंड आपको एक और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए बोला जाएगा बाद में, आपका जिस नेम से आपका पेटीएम अकाउंट है उसी नेम से आपका अगर दूसरा कोई भी बैंक अकाउंट होता है तो उसका आपको फर्स्ट पेज का यानी कि पासबुक का फर्स्ट पेज का फोटो आपको खींच करके वहां पे प्रोवाइड कर देना है। तो गाइज आपका सक्सेसफुली अकाउंट अनब्लॉक हो जाएगा जैसे कि मेरा अनब्लॉक हुआ था। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहो, सब्सक्राइब करो यार भाई। यार एक छोटा सा क्लिक लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।